मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्मजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्मजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। पापा ने आज प्रश्न पूछा कि ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है, तो उत्तर में बाबा कहते हैं कि जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। और दूसरा कि पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। और तीसरा कि भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से ही ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। मुरली का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे, आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीवात्मा। परमात्मा को बुलाती है। और भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं, बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीवात्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वे हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कि कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या की शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी कि फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया। तो यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो कि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता कि कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी, ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी। परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है, आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र है, हर्षित मुख है, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, समझाया जाता है कि आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती है। यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते, वह जानते ही नहीं, और न जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्मजीत बनेंगे, अच्छा फिर क्या होगा यह भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं कि योग से तुम विकर्मजीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी,
समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो हैं अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं, जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी नहीं है, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं कि बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे ही इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। यह गीत बाप की महिमा में है, बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ तो फिर हम औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ और फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वह आए कैसे। अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है, पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो दिन होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं निराकार आऊं कैसे, यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना, तो कलयुग अंत और सत्ययुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप को अगर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है तो किसको सिखाएंगे। सत्ययुग आदि में तो है देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता, अब वह ब्रह्मा आए कहां से? क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए, जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण की ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है, विष्णु के तो दो रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से यह पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है और फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी, स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप हैं, छोटापन भी दिखाना पड़े ना। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा, इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो ना सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं और फिर वह उनको वृद्धि में लाने में मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है कि पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्यते गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं, वह जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो, योग हो तब विकर्म विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, और फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है, अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां।
यह पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अंत में मैं आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते हैं कि मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको भी अभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे और फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती नहीं, यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीबी यानी कि ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भल ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, तो तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, ना कोई आवाज आदि ही करते हैं। वह तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा, हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने पांच विकारों को स्वाहा करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं, उनसे सब कामनाएं पूरी होती हैं। वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती हैं, धारणा भी हो ना, तो धारणा तब हो जब योग में रहें, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है, तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भीलनिया, हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठकर खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो नहीं कह सकते, तो हम भीलनियों के साथ वे खाएंगे? फिर वासना ले लेते हैं, वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाएं यह लॉ नहीं कहता, वह वासना ले सकता होगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूँ। वासना लेने की नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूँ। ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं, देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्म भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हों। देवताएं भी ब्रह्म भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ, भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं, कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने, रजाई लेवे। वह तो है ही दाता,
ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ बैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, यहाँ से जैसे कि गुम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाप भल निष्कामी है लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। और सेकंड पॉइंट है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। बाबा ने आज वरदान दिया, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकी फंस जाते हैं तो प्यारे भी इतने ही होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।